हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे सीड और उसके स्ट्रक्चर को। तो चलो शुरू करते हैं। सीड क्या होता है? सीड है ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाते हैं। इस सीड से क्या होता है? सीड जरूरी होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मतलब सीड से आपको न्यू प्लांट्स मिलते हैं। तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इसके काम से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमेशा किसी भी चीज़ की कवरिंग होती है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो सीड के स्ट्रक्चर में एक पार्ट होता है उसका सीड कोट, जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए है, न्यू प्लांट को बनाने के लिए है, तो इसमें होगा एम्ब्रियो जिससे बनेगा न्यू प्लांट। अब अगर किसी चीज़ को ग्रो होना है, क्योंकि न्यू प्लांट को शुरुआत में ग्रो करना है, तो उस ग्रो होती हुई चीज़ के लिए कुछ फूड रिज़र्व होगा जिससे कि वो ग्रो हो सके। तो वो फूड रिज़र्व होता है कॉटिलीडन या एंडोस्पर्म की फॉर्म में। तो बस यही तीन स्ट्रक्चर सीड में होते हैं और इन्हीं को हम अब डिटेल में देखेंगे और इनके क्या क्या काम होते हैं ये सब समझेंगे। तो सीड को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, सीड कोट, एम्ब्रियो और थर्ड है एंडोस्पर्म। तो सीड कोट अगेन टू पार्ट्स में रहता है, आउटर सीड कोट जिसे हम टेस्टा बोलते हैं और इनर सीड कोट जिसे हम टेगमेन बोलते हैं। एम्ब्रियो के भी होते हैं दो पार्ट, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे हम टाइजेलम भी कहते हैं और दूसरा कॉटिलीडन्स। तो कॉटिलीडन्स भी दो तरह के होते हैं, अगर एक कॉटिलीडन है तो उसे बोलते हैं मोनोकॉट और अगर दो हैं तो उसे बोलते हैं डाइकॉट। कॉटिलीडन किसी किसी सीड में बहुत पेपर की फॉर्म में रहते हैं, बहुत पतले से होते हैं, और अगर एंडोस्पर्म सीड में प्रेजेंट है तो कॉटिलीडन पेपर की फॉर्म में होते हैं। एंडोस्पर्म किसी सीड में होता है, किसी में नहीं होता है। जिनमें होता है उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं और जिसमें नहीं होता उन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो जिन सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता उसमें कॉटिलीडन्स बहुत थिक होते हैं या मोटे होते हैं, क्योंकि वो एज अ फूड रिजर्व का काम करते हैं। अब एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल देखें तो उसमें कैस्टर होता है और हम कोकोनट भी एंडोस्पर्मिक सीड में पढ़ते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आप देखते हो पी या फिर ग्राम, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आते हैं जिसमें कॉटिलीडन ही एज अ फूड रिजर्व का काम करते हैं। तो अगर कॉटिलीडन है तो एक कॉटिलीडन मोनोकॉट और दो कॉटिलीडन डाइकॉट, और अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्म। तो अब हम डिटेल में जो सीड पढ़ेंगे वो है डाइकॉट सीड, जिसमें पी और हम बीन को लेंगे जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है और डाइकॉट है। सीड कोट से शुरू करके हम सारे पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सीड कोट से। तो सीड कोट, जब भी हम किसी सीड को ऊपर से देखते हैं तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसका सीड कोट कहलाता है। चाहे आप कोई सा भी घर में भी उठा के देख लो, ये ग्राम देख लो या फिर ये छोले जिसे हिंदी हम बोलते हैं, ये साइसर एराइंटम होता है, इस पे भी एक वाइट कलर की कवरिंग होती है। अगर इस चने की बात करें तो ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये इसका सीड कोट है। इसी तरह किडनी बीन्स जो होते हैं उस पर भी आपको ये जो कवरिंग दिखती है ब्राउन कलर की, ये सीड कोट होता है। तो सीड कोट होते हैं दो, बाहर वाला आउटर सीड कोट जिसे टेस्टा कहते हैं और अंदर वाला सीड कोट जिसे हम टेगमन कहते हैं। तो सीड कोट का काम प्रोटेक्शन का होता है और ये ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बनते हैं, मतलब आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बनाता है और इनर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो टेगमन डेवलप करता है। तो अगर हम इस ग्राम की बात करें तो इसमें जो ऊपर की ब्राउन कवरिंग होती है या सीड कोट होता है ये होता है टेस्टा, और अंदर की तरफ जो इसका टेगमन होता है वो इसी के साथ फ्यूज होता है। तो आप इसको उतार के देखोगे तो अंदर की तरफ आपको एक वाइट कवर मिलेगा या वाइट सीड कोट मिलेगा जो कि होता है टेगमन, लेकिन इसमें ग्राम में टेस्टा और टेगमन दोनों फ्यूज होते हैं। इन सभी में यही केस है कि टेस्टा और टेगमन फ्यूज हो जाते हैं, आपको दो कवरिंग नहीं मिलेंगी या दो सीड कोट नहीं देखने को मिलेंगे, दोनों फ्यूज होके एक ही सीड कोट बनाते हैं और जिनके नाम होते हैं आउटर कवरिंग टेस्टा और इनर वन टेगमन, और ये डेवलप होते हैं ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से। आउटर इंटेग्यूमेंट बनाता है टेस्टा और इनर बनाता है टेग्यूमेंट। तो इसी सीड कोट के ऊपर हमें कुछ ये स्कार से दिखते हैं। तो ये स्कार कैसे डेवलप होते हैं सीड में इसको समझते हैं। सीड कोट के ऊपर कुछ स्कार्स हमें दिखते हैं, जो ओव्यूल में कुछ स्ट्रक्चर थे
वो कैरी फॉरवर्ड होके स्कार बना लेते हैं सीड के ऊपर, और कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ओव्यूल में कुछ काम करते हैं और सीड में भी कुछ। तो ये स्कार समझने के लिए इधर मैंने ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है और दूसरी तरफ आपको किडनी बीन की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो बुक्स में ग्राम को लेके समझते हैं, यहाँ पर हम ग्राम का भी कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ किडनी बीन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इस पर ये स्कार्स आपको अच्छे से विजिबल होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर से। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में सीड कोट की तरह ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। जैसे सीड में हमने देखा था टेस्टा और टेगमन, तो आउटर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है टेस्टा और इनर से डेवलप होता है टेगमन। अब ओव्यूल में ऊपर की तरफ होता है चेलेजोलैंड और नीचे की तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो हम शुरुआत करेंगे माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइलर एंड में हमें दिखता है फ्यूनिकुलस। ये फ्यूनिकुलस क्या होता है? ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेता है। तो ओव्यूल की बॉडी प्लेसेंटा से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ह्यूमंस में भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड देखते हैं जो सेम नाम से होती है, अम्बिलिकल फ्यूनिकुलस। अब फ्यूनिकुलस का मतलब होता है रोप। तो ये स्ट्रक्चर होता है कुछ रोप जैसा। इसका क्या काम है? इसका काम होता है ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से जोड़ना जिससे फूड ओव्यूल तक पहुँच सके। और जहाँ ये कनेक्ट करती है, मतलब ये फ्यूनिकुलस जहाँ ओव्यूल की बॉडी से जाके कनेक्ट होता है, उस कनेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। ये हाइलम हमें सीड के ऊपर भी एज अ मार्क दिखाई देता है। तो सीड में जो ये आपको वाइट कलर का बड़ा सा मार्क दिख रहा है, यही है हाइलम। अब इससे राइट साइड में एक ओपनिंग होती है ओव्यूल में, और वो किस लिए होती है? यहाँ से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती हैं ओव्यूल के अंदर और फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री पॉइंट जो होता है ओव्यूल में वो कहलाता है माइक्रोपाइल। और ये स्कार हमें सीड में भी दिखता है। तो यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा होल दिख रहा होगा, यही है माइक्रोपाइल। अब सीड में इसका क्या काम होता है? माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर एंटर करता है सीड में। यहाँ से वाटर एंटर करता है और फिर सीड वाटर को एब्जॉर्ब करके या इम्बाइब करके बड़े हो जाते हैं या फूल जाते हैं। तो माइक्रोपाइल ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री का पॉइंट है, और अगर सीड में इस माइक्रोपाइल की बात करें तो यहाँ से वाटर एंटर होता है। अब उससे ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये फ्यूनिकुलस ऊपर जाके ओव्यूल की बॉडी से जहाँ फ्यूज़ हो जाता है वहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ओव्यूल में भी रैफे कहते हैं, और सीड में भी आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है रैफे। इसके अलावा सीड में हमें एक ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर और दिखता है जिसे हम स्ट्रोफियोल कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ऐसा। ये है स्ट्रोफियोल। इस स्ट्रोफियोल का क्या काम होता है? ये वाटर की एंट्री को रेगुलेशन का काम करता है। मतलब कितना वाटर अंदर आना चाहिए उसका काम ये स्ट्रोफियोल का है। तो तीन स्कार ओव्यूल से सीड में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, या आपको जो ओव्यूल में भी दिखते हैं वो सीड में भी दिखते हैं। तो पहला हमने देखा हाइलम, जिससे फ्यूनिकुलस ओव्यूल की बॉडी से जहाँ कनेक्ट करता है वो प्लेस या वो स्कार कहलाता है हाइलम, और वो हाइलम आपको यहाँ ये बिग सा दिखता है। दूसरा हमने देखा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से ओव्यूल में पॉलिन ट्यूब एंटर करती हैं और सीड में वाटर एंटर करता है। थर्ड हमने देखा रैफे, जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकुलस फ्यूज़ हो जाते हैं, वो पॉइंट कहलाता है रैफे, जो हमें दोनों में दिखता है ओव्यूल में भी और सीड में भी। इसके अलावा स्ट्रोफ्यूल एक और ट्राइंगुलर शेप मार्क होता है जिसका काम होता है वाटर की एंट्री को रेगुलेट करना। इसके अलावा सीड में हमें रेडिकल दिखता है, एक प्रोट्रूडेड सा या उभरा सा पार्ट जिससे रूट इमर्ज होती है। तो ये हो गए सीड कोट पे पाए जाने वाले स्कार किडनी बीन में। इसे हम ग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो ये बड़ा सा छेद दिखता है या नॉस्ट्रल जैसा दिखता है वो होता है हाइलम।
इसके ऊपर छोटा सा यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोपाइल, नीचे की तरफ आए तो ये ट्राइंगुलर शेप का आपको दिख रहा होगा, ये है स्ट्रोफियोल, और नीचे उससे हमें दिखता है रैफे। यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर माइक्रोपाइल उतना विजिबल नहीं होता, नीचे आपको दिखेगा ये हाइलम, ये यहाँ पर ट्राइंगुलर थोड़ा क्लियर सा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है स्ट्रोफियोल और नीचे यहाँ पर रैफे। तो ये हो गए ग्राम में हमने देखे, किडनी बीन में हमने पहले ही समझ लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन आते हैं। तो सीड के ये दोनों पार्ट को अगर आप अलग करना चाहो तो ये एक पॉइंट पर जुड़े रहते हैं। तो एम्ब्रियो के हमने देखे थे दो पार्ट, जिसमें एक थी एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडन्स। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम टाइजेलम भी कहते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जहाँ कॉटिलेडन जुड़े रहते हैं वो प्लेस कहलाता है कॉटिलेडनरी नोड। तो ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है ये है कॉटिलेडनरी नोड। तो हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, ये मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाया तो हम दोनों पिक्चर में कंपेयर करते चलेंगे। तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है यहाँ पर प्लूमूल, तो ये वाला पार्ट है प्लूमूल। अब नीचे इसके प्लूमूल से नीचे अगर हम आते हैं तो कॉटिलेडनरी स्पेस तक के बीच का जो प्लेस होता है वो कहलाता है एपिकोटाइल, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये प्लेस है एपिकोटाइल। अब बीच में होती है कॉटिलेडनरी नोड, जो ये वाली है। इस कॉटिलेडनरी नोड से ही दोनों कॉटिलेडन्स जुड़े रहते हैं। उससे नीचे अगर हम चले तो यहाँ से लेके और रेडिकल तक के बीच का पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल, और ये है यहाँ पर रेडिकल। रेडिकल आपको सीड में ये सबसे ऊपर दिखाई देगा, इससे रूट निकलती है कुछ इस तरह और नीचे को चली जाती है, और प्लूमूल होता है यहाँ अंदर और इससे शूट सिस्टम निकलता है, जो पहली लीव्स निकलती है वो कुछ इस तरह से बढ़ जाती हैं। तो ये शूट के ग्रोइंग पॉइंट है और रेडिकल रूट का ग्रोइंग पॉइंट है। तो ये था एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन्स। तो हमने इस वीडियो में सीड देखा, जिसके थे तीन पार्ट, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सीड कोट टेस्टा और टेगमेन से मिलके बना होता है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन्स। अगर सीड में एंडोस्पर्म होता है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, और अगर एंडोस्पर्म नहीं होता तो नॉन एंडोस्पर्मिक। इसी तरह कॉटिलेडन अगर एक होता है तो मोनोकॉट, और अगर कॉटिलेडन दो होते हैं तो डाइकॉट। हमने बात की उसके बाद सीड कोट पे पाए जाने वाले स्कार्स की, जिसमें हमने देखा हाइलम, उससे ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल और नीचे की तरफ ये स्ट्रोफियोल और सबसे नीचे रैफे। इधर हमने देखा था रेडिकल। अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस या जिसे हम टाइजेलम या टाइगेलम कहते हैं उसकी बात करें तो सबसे ऊपर हमने देखा प्लूमूल, बीच में जहाँ कॉटिलेडन जुड़े रहते हैं वो कॉटिलेडनरी नोड, और उससे नीचे यहाँ पर रेडिकल। अब इन दोनों के बीच का स्पेस कहलाता है एपिकोटाइल, प्लूमूल और कॉटिलेडनरी नोड के, और रेडिकल और कॉटिलेडनरी नोड के बीच का स्पेस कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो ये था सीड और उसका स्ट्रक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।